बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सैलेड की रेसिपी। दो सैलेड आपको आज सिखाऊंगी मैं, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही महंगे हैं, बाहर से मिलते हैं, तो घर में बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ मैंने एक कप पाइन एप्पल लिए हैं, एक प्याली हमने एप्पल लिए हैं बारीक बारीक, मतलब चॉप करके काट लेना इनको, और एक कप क्रीम लिए है, और आइसिंग शुगर हमने ली है, एलमंड लिए हैं, और पाइन एप्पल सीरप। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने क्रीम ले ली एक कप के करीब, 3 टेबल स्पून इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। नॉर्मल शुगर हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्रीम को वो थोड़ा सा पतला कर देती है जब हम उसको मिक्स करते हैं, बीट करते हैं, तो इसलिए हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे हम। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है कि जो आइसिंग शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे इस मिक्सिंग के बाद हम इसको फ्रिज में या फ्रीजर में हम थोड़ा देर ठंडा करने रखते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप इसका ऐड किया है। एक तो ये है कि इसकी लास्टिंग भी बढ़ाता है, और दूसरा इसका थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट देता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है सैलेड में, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर इसको ठंडा करके सर्व करते हैं, चिल सर्व करते हैं, और इसका जायका इन्हेंस होता है, डबल हो जाता है, जायका बढ़ जाता है ठंडा होने के बाद। तो ये बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनता है और झटपट बनने वाला सैलेड है, 2 मिनट में बन जाता है। ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। ये वही सैलेड्स हैं जो बाहर मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं, जो पिज्ज़ाज के शॉप्स में मिलते हैं, मॉल्स मार्ट्स में मिल रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एप्पल भी ऐड कर दिए हैं और पाइन एप्पल भी इसमें ऐड करें, और यहाँ पर हम बादाम इसमें ऐड कर रहे हैं। बादाम इसका जो अच्छा सा लुक देते हैं, अच्छा सा टेक्स्चर देते हैं, क्रंची क्रंची थोड़ा सा, खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं बादाम के साथ ये सैलेड, तो ज़रूर ऐड करें। और ये हमारा सैलेड झटपट 2 मिनट में तैयार है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू ज़रूर देगा कि कैसा लगा आपको। और मेहमानों के आगे सर्व करें, पिज़्ज़ाज के साथ सर्व करें, बर्गर के साथ, या वैसे भी आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, बहुत हेल्दी सैलेड है। तो चलें अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं हम, जो कि है पाइनएप्पल चिकन सैलेड। ये भी बहुत मज़ेदार सैलेड बनता है, और इसके लिए मैंने एक प्याली चिकन ली है, बॉयल चिकन ली है, लहसुन काली मिर्चें नमक डाल के चिकन को बॉयल कर लिया कि उसमें डाल के। और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है मायो ली है, और 1/2 कप के करीब हमने फ्रेश क्रीम इसमें ली है। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्चें, जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ स्किप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ वही पाइनएप्पल सिरप थोड़ा सा ऐड करें, वही चीज़ के थोड़ा सा फ्लेवर को इनहेंस कर देता है, थोड़ा सा पाइनएप्पल टेस्ट आता है, तो मज़ेदार लग रहा होता है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा टेक्स्चर इसका आ जाए, स्मूथ टेक्स्चर बने। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप ऐड करेंगे कि इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। और यहाँ पर आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने आइसिंग शुगर इसमें ऐड की है। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल ऐड किया, और ये देखें कितने मज़ेदार इसके टेक्सचर लग रहे हैं ना। इसी तरह से इतना ही थिक आपने रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इसी तरह से इसको क्रीमी टेक्सचर में रखते हैं हम। पहले वाला जो सैलेड आपको सिखाया था वो मीठा होता है, और ये नमकीन होता है, पर हल्की सी इसमें मिठास होती है, बिल्कुल ही नमकीन भी नहीं होता ये, तो हल्का सा मीठा और हल्का सा नमकीन, इस तरह से इसका फ्लेवर होता है, और बहुत मज़ेदार ये सैलेड बनता है। ये सैलेड आप अपनी दावतों में बनाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें, और तारीफ लाजमी करेंगे मेहमान, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है, यूनिक सैलेड्स हैं ये, नॉर्मली नहीं मिलते, नॉर्मली नहीं बनते घरों में, तो आप लाजमी इसको बनाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें ताकि मेहमान भी आपसे इम्प्रेस हो। और अगर इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज आपको सिखाती रहूँ और झटपट रेसिपी आपको सिखाऊं। यहाँ पर मैं एक प्याली के करीब जो है वो इसमें एप्पल ऐड करती हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एप्पल को भी। और ये ना हमारा सैलेड बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आपने रखनी है सारी चीज़ें, और अच्छे से सर्व करें मेहमानों के आगे ताकि मेहमान भी आपसे इम्प्रेस। तो ये जो सैलेड्स हैं ये आप अपने लज़ानिया के साथ, मैक्रोनी के साथ, पास्ता वगैरह के साथ सर्व करें, पिज़्ज़ास के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी वाकई पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक कमेंट में लाजमी देते रहिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।